त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में बस्तर विकासखंड में आज मतदान हुआ है। इस दौरान बस्तर के सांसद दीपक बैज ने सपरिवार वोट डाला। उनके अनुसार जिला व जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत कराएंगे। बता दें कि बस्तर जिले में दूसरे चरण के तहत 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हुआ। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए सांसद दीपक बैज ने पंचायत चुनाव को कठिन प्रक्रिया बताया। पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं और वोट डालकर बस्तर सांसद दीपक बैज निकले हुए हैं। सांसद जी से जान लेते हैं क्या स्थिति है। अरे जो है ना, ये गांव का चुनाव है, गांव का सरकार बनाना है, इसलिए सभी को जाके वोट करना चाहिए। हमारा एक एक वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सही आदमी को सही जनप्रतिनिधि और सही वोट जाए और आने वाला समय में गांव के विकास के लिए हम सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि काम करेंगे। जनपद में क्या लगता है आपको जितनी चाहिए जिला पंचायत के अध्यक्ष आप लोगों की पार्टी से समर्थित होने चाहिए? निश्चित रूप से ये पंचायत चुनाव बहुत कठिन चुनाव है। एक तो एक एक मतदाताओं को चार चार वोट देना पड़ता है, वार्ड मेंबर, सरपंच, जनपद और जिला, इसलिए कहीं ना कहीं ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अभी कांग्रेस समर्थित जो हमारे सरपंच, जनपद, जिला है, ये ज़्यादा जीत कराएंगे और यह कि जनपद भी हम बनाएंगे और जिला पंचायत भी हमारी सरकार बनेगी। यही बस्तर के सांसद जिनका मानना है कि जिला स्तर पे, जनपद पे और सरपंचों पे कांग्रेस समर्थित अधिक से अधिक प्रत्याशी जीतेंगे और कांग्रेस भाग और नगरीय निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने में कामयाब हुई है, उसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी कामयाब होगी। चित्रकोट से मैं अनुपस्थित अभी से 24।